सो दोस्तों, आज की जो अपनी जर्नी है वो होने जा रही है 14305। जी हाँ गाइज, अभी तो अपनी ट्रेन जो दिल्ली से निकल चुकी है। 14305 गाइज वही ट्रेन है जो दिल्ली से हरिद्वार के बीच में चलती है। अनरिजर्व गाड़ी है पूरी। तो आपको ट्रेन की इन्फॉर्मेशन देख लो, पहले आप डिपार्चर देखो दिल्ली से। और दिल्ली का एरिया फोन वगैरह को बाहर ज़्यादा ना निकालें, सावधानी से। बोलते हैं दिल्ली जंक्शन को बाय बाय, हम अब निकल चुके हैं। आगे की तरफ पैसेंजर ट्रेन की जर्नी है तो इसके काफ़ी ज़्यादा मतलब सभी स्टेशन पर ये लगभग ऑलमोस्ट रुकते हुए जाती है। और सामने खड़ी है साबरमती दिल्ली जोधपुर की रेक्स। तो हाँ, मैं था कि मतलब इसके ज़्यादा हॉल्ट है तो मैं इसको सभी स्टॉप को कवर नहीं करने वाला, मेन मेन हॉल्ट को कवर करूँगा। और मैं यहीं से ही इसको कवर करूँगा गाइस। अगर इस ट्रेन की टाइमिंग वगैरह बात करें तो जो ट्रेन है गाइस दिल्ली से निकलती है 10:20 पे और आपको उसी दिन शाम को 5:40 पे हरिद्वार पहुँचा देती है। टोटल जो है 232 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करती है लगभग 7:20 में। और इस रूट पे जो उसकी एवरेज स्पीड है वो है 35 यानी 35 की स्पीड है, एंड जो मैक्स है वो 100 के, क्योंकि जो रूट अपना वो सामने वाला रूट होने वाला है, मतलब मेन लाइन वाला रूट नहीं रहेगा। जो अपना गाजियाबाद वाला था, गाजियाबाद मेरठ सिटी वाला रूट है, उससे ना जा करके हम जाएंगे वाया शामली, जो शॉर्टकट रूट है, सिंगल लाइन का ये रूट है। इसीलिए इस रूट की जो स्पीड है वो 100 की है। बाकी अपन दिल्ली से निकल चुके हैं, आउटर है दिल्ली का, यहाँ फ़ोन को ज़्यादा बाहर नहीं निकालते हैं। वैसे मेरा बाहर फ़ोन है नहीं, लेकिन थोड़ा फिर भी रिस्क है। दिल्ली रेलवे स्टेशन है, पुरानी दिल्ली था, OLDDLI स्टेशन कोड था इसका, और 16 प्लेटफॉर्म का स्टेशन था। और यहाँ पे लगभग 100 से भी ज़्यादा ट्रेनों का होल्ट रहता है। नॉर्थन रेलवे जोन के दिल्ली डिवीजन में अपना स्टेशन पड़ता है। लगभग 20 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। बाकी आप जंक्शन निकल जाते तो पता आपको यहाँ से आपको चारों दिशाओं के लिए लाइन गई हुई, तो आपको जिस भी दिशा में जाना आपको गाड़ी मिल जाएगी बड़े आसानी से। दिल्ली से हर जगह के लिए लगभग लाइन गई हुई है, आपको ट्रेन बड़े आसानी से मिल जाएगा दिल्ली से। और ऐसे यहाँ पे ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहें, फ़ोन बहुत चोरी होता है। दिल्ली से हैदराबाद वाला जो रूट है ना, अगर उससे आपकी गाड़ी जाती है तो आप लाल किला को आसानी से देख सकते हैं कि अपनी ये जो ट्रेन वाली लाइन है ये लाल किला के पीछे से निकलती है। और नीचे हाईवे है, और यमुना में पानी भी है, जो पता यमुना पुल है। नीचे रोड है, ऊपर हम हैं। गाजियाबाद वाली जो मेन लाइन है उससे अलग हो रहा है, शामली वाली लाइन पे हम डाइवर्ट हो रहे हैं। सिंगल लाइन के जो रूट है
शायद जो अपनी स्टेट है वो चेंज हो चुकी है, हम दिल्ली के बजाय यूपी में एंटर कर चुके हैं। यूपी में ट्रैवल हो रहा है तो खेतों की हरियाली तो देखने को मिले ही मिलेगी। खेकड़ा पहुँच रहे, दो प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। यहाँ पर डीएमयू भी खड़ी है। यहाँ पे 30 ट्रेन से 10 ट्रेन से ज़्यादा का होल्ड रहता है। नॉर्थ में लोग इनके दिल्ली डिवीजन का स्टेशन पड़ता है। गाइस निकल चुकी है अपनी ट्रेन। कासिमपुर खेत कासिमपुर खड़ी गाइस, दो प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। नॉर्थ नेलो जोन के दिल्ली डिवीजन में आता है। गाइस कासिमपुर खेड़ी से हम निकल चुके हैं। वैसे देखा जाए तो स्टेशन में भीड़ भाड़ थोड़ा रहती है, क्योंकि लोकल सवारी जो इसमें ज़्यादा थी, कासिमपुर खेड़ी की इसमें ज़्यादा सवारी थी, क्योंकि इसमें यहाँ से ट्रेन थोड़ी खाली हो गई है। गाइस ये देखो सेम यही ट्रेन है, ये रिटर्न की है। मतलब हम हरिद्वार जा रहे हैं, हरिद्वार से आ रही है। कांधला रेलवे स्टेशन पर हम पहुंचे हैं। दो प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और वही नॉर्मल नॉर्थन रेलवे जोन के दिल्ली डिवीजन में आता है। और यही है 10-12 ट्रेन जो यहां पर आकर होल्ट लेते हैं। इसका सिग्नल तो होगा, वैसे तो चल पड़ी। ये अपने एक्स को शेयर करती दिल्ली सहारनपुर वाले एक्स मतलब पैसेंजर के साथ। दिल्ली सहारनपुर और दिल्ली हरिद्वार। अनरिजर्व्ड एक्सप्रेस अपनी ट्रेन का भी गाइस हॉर्न हो चुका है, चल पड़ी है ट्रेन। शामली के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गाइस अपने ट्रेन के लिए गया है। शामली में 3 प्लेटफॉर्म है, रोजाना यहाँ लगभग 15 से ज़्यादा ट्रेनों का हॉल्ट रहता है। नॉर्थन डिवीजन को दिल्ली डिवीजन में आता है। 5 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। शामली में आप खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी, बाकी स्टेशन पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पर इसको 2 मिनट ही रोका जाएगा, लेकिन बाकी जो पीछे स्टॉप थे ना वहाँ पे उसको मुश्किल से 30 सेकंड रोका जाता था, क्योंकि पैसेंजर नहीं थे तो तुरंत चला दिया जाता था, इसीलिए हमें उतरता भी नहीं था ज़्यादा। यहाँ भी क्या था, इसको ज़्यादा ना रोकें। इस ट्रेन की खासियत है रुकती बहुत ही कम, स्टेशन पर रुकना ही रुकेगी जितना ज़रूरत है। यानी कि पैसेंजर बैठ गया तो भी खड़ी है ना, जैसे पैसेंजर चढ़ेंगे तुरंत रवाना हो लेंगे। तो दोस्तों शामली सबने ट्रेन जो निकल चुकी है।
गाइस अपनी ट्रेन को लगवा दिया ओवरटेक। सुपर फास्ट गाड़ी है गाइस। कौन सी ट्रेन है? गाजियाबाद एक्सप्रेस, अमृतसर पूर्णिया मोबाइल कोल्ट। गाइस इसमें भीड़ देखो, जनरल पूरी तरह से पैक है। ये तो गाइस पैसेंजर है, सारी स्लीपर है। इसमें सारे कोचेस जो हैं जनरल के हैं। पहली बार देख रहा हूँ कि पैसेंजर ट्रेन को LH भी मिले हुए हैं। हमें ओवरटेक करके जा रही है बट जो भी है। ओहो बाथरूम में घुसे हुए हैं गाइस, ये देखो। ओहो गाइस देखो क्या ही हालत है। स्लो मोशन धूल उड़ाती है। वेब 5 गाजियाबाद का टनकपुर देहरादून एक्सप्रेस है। गाइस अभी एथल से हमने डिपार्चर लिया है येलो सिग्नल के साथ, अपने ट्रेन जो है 30 की स्पीड को मेंटेन करते हुए। आगे इसको तो ग्रीन सिग्नल मिल गया है। तो गाइस अभी जवालपुर से हम जो है डिपार्ट ले रहे हैं, सामने से कोई ट्रेन भी आ रही है। जन शताब्दी एक्सप्रेस कठगोदाम से देहरादून, कठगोदाम देहरादून
और एक अपने नेक्स्ट पसंद करते मुरादाबाद, मतलब एक दिन देहरादून, मुरादाबाद और पटोला जनशताब्दी एक्सप्रेस। समझता भी अपन जो है कुछ ही देर में हरिद्वार पहुंच जाएंगे और आज के इस जर्नी व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। बाकी अगर जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको इसमें देखो पैसेंजर गाड़ी तो आपको ना पैंट्री की सुविधा मिलेगी, ना ऑनबोर्डिंग कैटरिंग वगैरह, इसमें कुछ भी आपको खाने पीने की सुविधा नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है अगर ये पैसेंजर है तो आपको सुविधा नहीं ही मिलेगी। बाकी पैसेंजर गाड़ी है तो मतलब ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा ले लेती है, 290 के किलोमीटर, 200 के आसपास किलोमीटर, 250 मतलब किलोमीटर डिस्टेंस करना होता है इसको कवर, लेकिन उसके लिए 7 घंटे से प्लस का समय लेती है, जो कि इसको मुश्किल से मुश्किल 3-4 घंटे का यह सफ़र है अगर किसी एक्सप्रेस ट्रेन को मिल जाए तो। पैसेंजर है तो अगर आपको टाइम है तो आप इससे आ सकते हैं, वरना टाइम की अगर आपको बचत करनी है तो मैं प्रेफर करूँगा आप इस ट्रेन से ना आए, क्योंकि टाइम के मामले में टाइम बहुत ज़्यादा टाइम खा लेती है। बाकी ओवरऑल बहुत बढ़िया ट्रेन है, आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कमी नहीं है तो। ठीक है चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, अभी हरिद्वार स्टेशन पर अराइवल दिखा के इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर देंगे। ठीक है और जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी एक और नई रेल यात्रा के साथ। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, मैं आपको नए नए जर्नी दिखाता रहूँगा। ठीक है जो हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुकी है, ये हम एंटर कर चुके हैं प्लेटफॉर्म पर, 8 की स्पीड लिमिट इसलिए धीरे धीरे आ रही है। चलो आप भी देख लो हरिद्वार का रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह का है अपना। बाकी ये ट्रेन जो है यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी, बोर्ड नहीं होता हरिद्वार।